फैक्ट्स अबाउट इंडिया। हमारे देश भारत को विश्व में गुरु का दर्जा यूं ही नहीं मिला। हमने अपने इतिहास में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिन्हें आजमाना तो दूर, कोशिश करना भी किसी और देश के लोगों के बस की बात नहीं हुई। तो जब भी बात आती है भारत से जुड़े फैक्ट्स की, तो गिनती शुरू होने के बाद खत्म ही नहीं होती और हमें अपने भारत के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां जानने का मौका मिलता है जो शायद हमें आज से पहले पता ही नहीं थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं भारत से जुड़े कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो आपके ब्रेन को बूस्ट कर देंगे। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि भारत की जनसंख्या चीन के बाद विश्व की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जनसंख्या है, लेकिन क्या आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान दुनिया के देशों में 7वें नंबर पर है। अब कुंभ के मेले का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो हर 12 साल बाद इलाहाबाद में लगने वाले इस कुंभ के मेले में इतनी भीड़ इकट्ठा होती है कि अगर आप अंतरिक्ष से इसे देखें तो ये आपको साफ साफ दिखाई देगी। आज तक सबको ये लगता होगा कि दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, लेकिन आपको बता दें कि भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। ये इंग्लिश बोलने में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, आज तक आपने केरल को उसकी लिटरेसी रेट के लिए जाना होगा, लेकिन आपको बता दें कि केरल दुनिया का सबसे बड़ा डाक व्यवस्था वाला देश भी है। वहीं दुनिया की सबसे पुरानी नगरी की बात आती है तो हमारे भारत की काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि वाराणसी दुनिया के पवित्र नगरों में से सबसे पुराना नगर है। और ये तो आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि आज देश और विदेश में जिस योग की धूम मची है, ये हमारी भारत की संस्कृति के इतिहास से ही आया है। और इस योग का इतिहास भारत में 5000 साल से भी पुराना माना जाता है। जीरो नंबर का आविष्कार करने वाले महान आर्यभट्ट भी तो हमारे भारत के ही थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिकेट भले ही इंग्लैंड का खेल हो, लेकिन हमारे भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है और ये हिमाचल प्रदेश में है जो कि समुद्र से 24,000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। अब KFC के बारे में तो आप सभी जानते हैं। शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां पर इसकी फ्रेंचाइजी नहीं होगी, लेकिन KFC भले ही नॉनवेज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो, लेकिन KFC ने स्पेशली भारत के लोगों के लिए अलग से शाकाहारी मेनू अपनी लिस्ट में शामिल किया था। और दुनिया में अगर कहीं हीरे की खान है तो वो सिर्फ हमारे भारत में ही मौजूद है और इनकी गिनती 1000 से ज्यादा है। दुनिया का सबसे बड़ा बारिश वाला देश भी हमारे भारत का मेघालय ही है। इसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भी हमारे भारत में ही है और ये रोड नेटवर्क 1.9 मिलियन मील्स के साथ कई शहरों राज्यों की रोडवेज को एक साथ आपस में जोड़ता है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल, जिसे लोग मोहब्बत की निशानी कहते हैं, मुगल सम्राट शाहजहां के प्रेम की निशानी के नाम से मशहूर ताजमहल को भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में बनाया गया था। हमारे भारत के ही मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के सम्मान में 26 मई को पूरा स्विट्जरलैंड विज्ञान दिवस मनाता है, क्योंकि इसी दिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। हमारा भारत युद्ध की नीतियों में भी अपनी पहचान रखता है। अमेरिका और चीन के बाद भारत के पास ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी युद्ध सेना मौजूद है। जिस शैम्पू से बालों को धोकर देश विदेश की लड़कियां हीरोइने बनती हैं, वो शैम्पू भी हमारे भारत की ही देन है। दरअसल पहले के लोग मुल्तानी मिट्टी से अपने बालों को साफ करते थे, लेकिन इसके बाद शैम्पू का आविष्कार हुआ और शैम्पू का नाम भी संस्कृत भाषा के चंपी शब्द से लिया गया है और चंपी का मतलब होता है मालिश करना। दोस्तों, जब भी वर्ल्ड कप की बात आती है तो हमारे भारत का राष्ट्रीय गेम भले ही हॉकी हो और हमारी जनता भले ही क्रिकेट की दीवानी हो, लेकिन हमारे देश की महिला और पुरुष कबड्डी टीम ने अब तक दुनिया भर के सारे वर्ल्ड कप भारत की झोली में ही लाकर दिए हैं। इसके अलावा चंद्रमा पर पानी की खोज करने वाला पहला देश भी हमारा भारत ही है। सितंबर 2009 में भारत के ही चंद्रयान नामक सैटेलाइट में चंद्रमा के मिनरलॉजी मैप की मदद से चांद की सतह पर पानी खोज निकाला था। इंसानों के लिए इस्पाबाद के बारे में आपने तो सुना होगा, लेकिन हमारे भारत देश में हाथियों के लिए भी इस्पाबाद का अरेंज कराया जाता है। भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर हाथियों को नहला धुलाकर चमकाने का रिवाज मनाया जाता है।
दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग भी हमारे भारत में ही मौजूद हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश भी हमारा भारत ही है। इसके अलावा गर्मियों की छुट्टी में आप जिस सांप सीढ़ी और लूडो का आनंद उठाते हैं, ये भी भारत की ही देन है। प्राचीन काल में इसे मुक्त पतंग खेल कहा जाता था। जब बात युद्ध के लिए हथियारों की सप्लाई की आती है, तो हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयात करने वाला देश है। वहीं हाल ही में 2020 के डाटा से ये पता चलता है कि चीन के बाद सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल भी हमारे भारत की 82 करोड़ की आबादी ही करती है। दुनिया भर के 70% मसाले भी हमारे भारत में ही उगाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भी हमारे भारत के मिजोरम में ही रहता है। इस परिवार में जियोना चाना नाम के व्यक्ति की 40 पत्नियां और 94 बच्चे मौजूद हैं। सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन की इंडस्ट्री भी हमारे भारत में ही मौजूद है और दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में अगर कहीं बनती हैं, तो वो भी हमारा भारत देश ही है। भारत के लद्दाख के लेह में एक पहाड़ी को मैग्नेटिक हिल कहा जाता है और ये दुनिया की सबसे अजब गजब हिल स्टेशन में से एक है। माना जाता है कि यहाँ पर बंद गाड़ियाँ अपने आप ही पहाड़ के नीचे खींची चली जाती हैं। हमारे भारत में 30 लाख से ज्यादा मंदिर बने हुए हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद अगर कहीं है तो वो भी हमारे भारत में ही है। भारत में मस्जिदों की संख्या 3 लाख से भी ज्यादा है। हमारे भारतीय परिवारों के पास आपको दुनिया का सबसे ज्यादा सोना यानी कि 11% सोना मिलेगा और यहाँ के मंदिरों के सोने को इससे मिला लिया जाए तो इसका तो कोई आंकड़ा ही नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी को विदेश ने ढूंढा है, तो आपको बता दें कि हमारे भारत के प्राचीन चिकित्सक महर्षि सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। इससे पहले इसे शल्य क्रिया कहा जाता था। हमारे भारत में ही दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी मौजूद है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है। इसके अलावा हमारे भारत में विश्व का जीता जागता उदाहरण आपको शनि सिंगणापुर मंदिर में गांव में देखने को मिलेगा। यहां 400 साल से आज तक कोई चोरी डकैती और अपराध का मामला सामने नहीं आया और इस गाँव के घर में आज भी दरवाजा नहीं लगाया जाता। एक तरफ मैरिज डाटा में साबित हुआ है कि भारत में 70% लोग अरेंज मैरिज करते हैं, वहीं दुनिया में सबसे कम तलाक के केस भी हमारे भारत में ही होते हैं। पृथ्वी से सूर्य की परिक्रमा करने के समय को बताने वाले वैज्ञानिकों को ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत के विद्वान आचार्य भास्कराचार्य जी ने सैकड़ों साल पहले इसकी सही गणना कर दी थी। भारत के जंगलों में बाघों की संख्या लगभग 2967 है। ये आंकड़ा दुनिया के बाघों की आबादी का 70% है और इनकी संख्या देश में तेजी से बढ़ रही है। साल 2018 की बाघ जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 सालों में भारत में बाघों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हुई है। 2006 में बाघों की संख्या 1411 के करीब थी। भारत चार धर्मों का देश है। हमारे देश के चार मुख्य धर्म हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म की जन्मस्थली भारत ही है। और केवल इतना ही नहीं, इन धर्मों का पालन अब दुनिया की लगभग 25% आबादी भी करती है। माना जाता है कि जैन धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि बौद्ध धर्म की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। सिख धर्म का इतिहास 15वीं शताब्दी का है, जब इसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। और हिंदू धर्म हमारा सनातन धर्म है, जो सृष्टि की उत्पत्ति से ही है। तो दोस्तों, ये थे भारत के बारे में वो अमेजिंग फैक्ट्स जिनके बारे में हर भारतवासी को जानना जरूरी है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी अपनी दुनिया और अपने प्यारे देश के बारे में थोड़ा जान सकें। धन्यवाद।